दोस्तों, एक अच्छा सेलर एक गंजे को भी कंघी बेच देता है और ये बोल के बेचता है कि ये आपके बाल संवारने के नहीं, आपको खुजलाने का हथियार है, खुजलाने का औजार है, क्योंकि आप जब नाखून से खुजलाते हैं तो आपको घाव पड़ जाते हैं, दर्द पड़ सकता है। इसके लिए एक कंघी लीजिए और अपना गंजा सर इससे खुजाइए। नमस्कार दोस्तों, दीवान गारमेंट में स्वागत है आपका। मैं दिनेश एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लाया हूँ कि जींस जब आप खरीदने जाते हैं, मार्केट में जींस खरीदने जाते हैं, तो आपको कमर, आपकी कमर ही नहीं मालूम पड़ती कि हमारी कौन सी कमर की साइज आएगी, कौन सी कमर की फिटिंग हमको आएगी। तो दोस्तों, ये एक सेकंड में ट्राई कीजिए, आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक सेकंड में मालूम पड़ जाएगा कि आपकी कमर कौन सी है, आपको जींस कौन सी साइज की लगेगा और उसकी फिटिंग आप कैसे जाने कि जींस अच्छी कौन सी है और जींस लो ग्रेड की कौन सी है, अच्छी ग्रेड की जींस कौन सी है, फिटिंग किसकी अच्छी है और फिटिंग किसकी थोड़ा लो है। तो आइए दोस्तों, दो तीन चीज़ों में देखते हैं कि जींस आप कैसा परचेज करें। आइए देखते दोस्तों, जींस खरीदने आए हैं। सबसे पहली बात है, जींस हम खरीदने आए हैं, हमको मालूम ही नहीं कि हमारी कमर कौन सा, हमको फिटिंग कौन सा है। उसके लिए दोस्तों, एक सेकेंड में आप जान जाएंगे, एक सेकेंड का ट्रिक है, आप जान जाएंगे दोस्तों। पैंट की जो जींस की जो बटन है वो बटन बंद करेंगे, जींस को ऐसा पकड़ेंगे, जींस से पकड़ने के बाद अपने गले में लगाएंगे। दोस्तों, अगर गले में बराबर आ रहे हैं, अगर गले में बराबर नहीं आ रहे, गले में आपकी छोटी आ रही, समझो आपकी कमर में नहीं आएगी, बड़ी आ रही तब भी आपके कमर में नहीं आएगी, लेकिन अगर आपके गर्दन में फिट आ रही तो आपके कमर में बिल्कुल फिट आएगी। दोस्तों, नापने का, जींस की साइज पता करने का, दो में सब पकड़ेंगे और गर्दन में अपने ऐसे लगाएंगे, हमको एक सेकंड में मालूम पड़ जाएगी कि हमारी कमर का जींस है या नहीं है। अब आगे दोस्तों देखते हैं, हम जींस कौन सी है अच्छी है, कौन सी अच्छी क्वालिटी की जींस है और कौन सी फिटिंग बैठेगी या नहीं बैठेगी, ये हम फिटिंग टेस्ट करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं, चार पाँच चीज़ों में आपको फिटिंग बता दूंगा कि जींस की फिटिंग कैसी होगी, जींस आपको पहनने में कैसे लगेगी और आपके बॉडी में कैसे जचेगी। 2 मिनट में, दो तीन टिक में आप समझ जाएंगे कि बेस्ट जींस हम कौन सा खरीदने जा रहे हो। दोस्तों, ये दो जींस है, एक अच्छी क्वालिटी की है और एक थोड़ा लो क्वालिटी की है। इसी दोनों जींसों में हम बता देंगे कि दोस्तों जींस आपका कौन सा अच्छी फिटिंग आएगी और जींस की कौन सी अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम जींस उठाते हैं, सबसे पहले इसका शेप देखेंगे, इसका वेस्ट का जो शेप है हमारी वेस्ट में, हमारी कमर में बराबर बैठेगा या नहीं बैठेगा दोस्तों। क्योंकि अगर ऐसा लो वेस्ट है जींस का, ऐसा बैक का और फ्रंट का ऐसा डिफरेंट है दोस्तों, तो हमारी वो कमर में बराबर बैठेगा, हमारे पहनने के बाद जो जींस का फोग, पहनने के बाद उठने बैठने के बाद जो बाहर जींस निकल आती है दोस्तों, अगर ये सेफ रहेगा, ये सेफ रहेगा जींस में, ये सेफ रहेगा तो समझो जींस आपकी अच्छी क्वालिटी की है और अच्छी फिटिंग आपको आएगी। दोस्तों, डिफरेंट दिखा रहा हूँ, ये चालू जींस है, लो क्वालिटी की जींस है। दोस्तों, इसका शेप देखिए, दोस्तों इसका शेप देखिए और इसका शेप देखिए, आपको ये दो सेकंड में मालूम पड़ जाएगा कि शेप दोस्तों इसका कौन सा है और इसका कौन सा है। देखिए, इसका गैपिंग देखिए और इसका गैपिंग देखिए, तो आप इसी से समझ जाएंगे कि जींस हमारी ये बेहतर कमर में बैठने वाली है और हमारी कमर में बैठेगी नहीं, बैठेगी भी तो पहनने के बाद इसका पोर्शन बाहर आ जाएगा, ये बाहर निकलती रहेगी, आपका अंडरवियर तक दिखता रहेगा और दोस्तों इसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, ये हमारी पहली पहचान है। सेकंड पहचान हम देखेंगे कि इसका स्टिचिंग कैसा है, पीस को हम उल्टा कर लेंगे ऊपर से ही तो हमको मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों, अभी दोस्तों ये देखिए, इधर का जो अच्छी क्वालिटी की जींस है, जो ये सिलाई है सेम टू सेम एग्जैक्ट वैसा ही सिलाई है, जैसा इधर फोल्डर दिख रहा है वैसा इधर भी फोल्डर दिख रहा है, ये अच्छी जींस की पहचान है दोस्तों। और हम लो क्वालिटी की जींस खरीदने जाएंगे तो इधर देखेंगे कि देखिए बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ डबल स्टिच है और यहाँ पे दोस्तों उल्टे साइड में सिंगल स्टिच है। यहाँ की बनावटी देखा जाए तो अच्छी जींस में ये देखिए, जो इधर का फोल्डिंग है वही इधर का भी फोल्डिंग है, सेम है। इसमें भी दोस्तों इधर का देखिए, इधर का कैसा है फोल्डिंग है और इधर का कैसा फोल्डिंग है। सेकंड पहचान दोस्तों, अंदर की स्टिचिंग से मालूम पड़ गया कि बेस्ट जींस कौन सा है और
चालू जींस, सस्ती जींस कौन सा है। कस्टमर कितना भी हमको उल्लू बनाए, सेलर कितना भी हमको उल्लू बनाए, लेकिन हम अपने देखने के तरीके समझ जाएंगे कि कौन सी अच्छी जींस है, कौन सी बेटर जींस है, अच्छी क्वालिटी की जींस है, और कौन सी लो क्वालिटी की जींस है। दोस्तों थर्ड पहचान है इसकी बॉटम की तरफ, मोहड़ी की तरफ हम थोड़ा इसको मोड़ लेंगे और देख लेंगे कि इधर इसका क्या कहानी है। दोस्तों इधर जो देखेंगे, इधर वॉल लॉक किया हुआ है और स्टिचिंग की हुई है। सेकंड तरफ देखेंगे, उधर भी वॉल लॉक किया हुआ है और स्टिचिंग की हुई है। अच्छी जो थोड़ा अच्छी क्वालिटी की जीन्स है, उनको जब हम रिव्यू करेंगे, उनकी तरफ जब बॉटम फोल्ड करेंगे देखेंगे, दोस्तों जो ऊपर स्टिच है वही नीचे स्टिच है। जैसा ऊपर फोल्डिंग है वैसा ही नीचे फोल्डिंग है। सेकंड की तरफ वॉल लॉक है लेकिन इधर चेंज है। और जो हम लो क्वालिटी देखेंगे उसमें देखिए दोनों तरफ वॉल लॉक था। दोस्तों हमारी थर्ड पहचान है। और फिटिंग आप समझ गए कि फिटिंग कैसा देखना है और उसका बॉटम की तरफ कौन सा है और कौन सा नहीं है। तीसरा जो फिटिंग है, जो हमारे बॉडी पे बराबर बैठेगी जीन्स या नीचे लटकेगी, दोस्तों ये बॉडी का शेप से देखिएगा। अभी इसमें का शेप देखिए दोस्तों, इसका देखिए भाग, इसका जो मांडी है, जो हिप है वो निकला हुआ है थोड़ा, और इसका जो है ये अंदर घुसा हुआ है। समझ रहे हैं, पैंट पहनने आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये 2-3-4 टिकों में आपको मालूम पड़ गया होगा कि बेस्ट जीन्स कौन सा है, बेस्ट फिटिंग हम कैसे मालूमात करें। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मेरी ऐसी ही जीन्स से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।